खूबसूरत तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि गुलमर्ग से थोड़ी देर में हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन कल से लेकर आज तक की तस्वीरें हम आपको दिखा दें। बर्फबारी लगातार जारी है और गुलमर्ग में गुलमर्ग फेस्टिवल हो रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ की चादर इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुलमर्ग फेस्टिवल में सैलानियों की तादाद बढ़ने लगी है और बेहद अच्छी खबर है। गुलमर्ग में पर्यटकों की तादाद जब बढ़ रही है तो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को काफी उम्मीद है नए साल तक कि गुलमर्ग फेस्टिवल चलेगा। फिलहाल जानकारी आपको दे रहे हैं, खबर आपको बता रहे हैं कि क्या नजारा जम्मू कश्मीर में इस वक्त देखने को मिल रहा है, खासतौर पर गुलमर्ग में। और गुलमर्ग में इस वक्त व्हाइट क्रिसमस की धूम है, क्योंकि सफेद चादर इस वक्त बिछी हुई है और व्हाइट क्रिसमस आप कह सकते हैं कि एक तरीके से लोग जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में व्हाइट क्रिसमस मना रहे हैं। फिलहाल खबर बड़ी है, आपको जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इश्फाक दार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इश्फाक बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पांच के पंच में कल से लेकर आज तक आप लगातार तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, अभी भी हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइएगा, जानकारी भी दीजिएगा कि जो गुलमर्ग फेस्टिवल का आयोजन हुआ है, कितने तादाद में लोगों की संख्या इस वक्त देखने को मिल रही है, क्या इंतजाम किए गए हैं। हर जी अपने नाते को बताएंगे कि सैद मुकाम गुलमर्ग में कल जो चूंकि आज पूरे अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पर जो जितने भी गिरजाघर जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर आज जो है क्रिसमस मनाया गया। वही अगर सैदी मुकाम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर एक जो पहला पहला ऐसा सैदी मुकाम है जहाँ पर व्हाइट क्रिसमस मनाया, जो आपने अभी जिक्र की कि यहाँ पर व्हाइट क्रिसमस जो है मनाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम ये जिक्र सैयाद की तरफ से एक पहल की गई कि यहाँ पर जो है आज से जो 24 तारीख से जो इसकी शुरुआत की गई, यहाँ पर विंटर कार्निवल जो है वो शुरू हुआ है। और ये बात अगर डेकोरेशन की बात करें और यहाँ पर तो उनके बाकी जो सैयाद माध्यम से जुड़े अफसरान है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद रहे, वो काफी तैदाद में यहाँ पर पर्यटक जो है वो पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं इस विंटर कार्निवल का हिस्सा बन चुके हैं। अगर हम सैद मुकाम गुलमर्ग की बात करें, यहाँ पर जो है आज सुबह इंतजामिया ने पूरी तरह से गुलमर्ग की तरफ जो है जाने वाला रास्ता है, यहाँ पर जगह जगह पर जो है सिक्योरिटी फोर्स जो तैनात की गई, वो इस मामले के हवाले से तैनात किए गए कि यहाँ पर जो सैद मुकाम गुलमर्ग में कल जो फिसलन हुई थी उस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर सड़क पर जो गाड़ियां गुलमर्ग की तरफ जा रही हैं उन्हें बगैर जंजीर के गुलमर्ग जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। वही अगर हम बात करें सैद मुकाम गुलमर्ग में इस तरह का फेस्टिवल जो है ये 31 तारीख तक जारी रहेगा, क्योंकि नए साल की आमद तक ये फेस्टिवल जो है जारी रहेगा। हर जी ठीक है इश्फाक, लेकिन क्या उम्मीद पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को है, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र के जुड़े लोग इन्हीं दिनों का इंतजार करते हैं जब बर्फबारी होती है। क्या जो कोरोना काल में हमने देखा नुकसान पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों को हुआ, हालांकि उपराज्यपाल साहब की तरफ से पैकेज का भी ऐलान किया गया था, लेकिन लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या ये बर्फबारी उसकी भरपाई कर पाएगी और क्या लोग वाकई खुश हैं जो पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर हम बात करेंगे कोविड की और साथ साथ यहाँ पर अगर सैद मुकाम गुलमर्ग पर जो लोग जो यहाँ पर युवा जो है वो कहीं ना कहीं उनका रोजगार जो है सयाहत पर साल भर उनका इंतजार रहता है कि कब वादी में जो है बर्फबारी हो और यहाँ पर काफी तादाद में पर्यटक आए और वो कहीं ना कहीं जो है अपने अपना पेड़ पा सको, वो भी जहाँ पर जो है यहाँ पर सयाहों से कहीं ना कहीं वो बोनी कर सके। लेकिन इस बार जहाँ पर बर्फ को तो पूरी तरह से नहीं हुई है बर्फ, जिस तरीके से बर्फबारी यहाँ होती है यहाँ तो 5 से 6 फीट बर्फबारी इन दिनों हुआ करती थी अगर पिछले साल की बात करें, लेकिन इस साल बर्फ कमी है। लेकिन जो सयाहती मकाम पर इस साल जो विंटर गेम्स का जो इनका किया जाएगा काफी तादाद में यहाँ पर स्कीयर भी आ चुके हैं, मकामी स्कीयर जो बाहर से कुछ स्कीयर यहाँ पर पहुंच गए, जो कल से जो है यहाँ पर स्कीइंग का मुकाबला भी यहाँ पर विंटर गेम्स का एक पार्ट जो रहेगा वो यहाँ पर जो शुरू किया जाएगा। ठीक है इश्फाक, लेकिन एक जानकारी और दीजिएगा, क्योंकि प्रशासन की तरफ से भी कहा गया है कि इंतजाम किए गए हैं, होटलों के अंदर छूट भी दी गई है, और क्या उससे सैलानी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन खासतौर पर ये कह रहा था कि पर्यटकों की तादाद ज्यादा बढ़े और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, क्या उन कदमों को हम देख रहे हैं कि जो प्रशासन की तरफ से जो कदम उठाए गए थे, जो पहल की गई थी, आज वो काम आ रहे हैं बर्फबारी के दौरान? हर जी आपने एक सही सवाल कहा कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए जा चुके हैं, एक तरह का जब विंटर कार्निवल की बात करें यहाँ पर सयाहों को बाहर के सयाहों को यहाँ पर दावत दी जाती है, लेकिन अगर सैद मुकाम गुलमर्ग की बात करें यहाँ पर सारे होटेलर जो है
जो यहाँ पर पूरी तरह से बुक है वो सोल्ड आउट है। अगर कोई नया जो सैया बाहर से आना चाहता है वो इस टाइम यहाँ पर गुलमर्ग में रात भर ठहरना चाहता है, यहाँ पर उसके लिए जो है रूम अवेलेबल नहीं है क्योंकि पूरा यहाँ पर सोल्ड आउट है। इंतजामिया को चाहिए था कि इस तरह का इकदाम उठाने से पहले यहाँ पर जो बाहर से सैया आए हैं जो यहाँ पर रुकना चाहे विंटर कार्निवल का हिस्सा बनना चाहे अगर वो चाहते हैं कि रात भर यहाँ रुके और विंटर कार्निवल का हिस्सा बने, लेकिन उनको जो है शाम के ठहरने की जगह जो है उनके लिए अवेलेबल नहीं है। शाम को जो है जैसे यहाँ पर शाम का वक्त आता है श्रीनगर के होटल में मुंतकिल करना पड़ता है। ठीक है, इस बार एक आखिरी सवाल, कब तक ये फेस्टिवल चलेगा? क्योंकि नए साल में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर और भी सैलानी आते हैं, नए साल को लेकर क्या इंतजाम है और कब तक ये फेस्टिवल चलने वाला है? क्योंकि आप कह रहे हैं कि कमरे बुक हो चुके हैं, लोग आ रहे हैं खासतौर पर, तो क्या इंतजाम नए साल पर भी रहेंगे? देखिए बिल्कुल, सैटरडे और संडे को यहाँ पर जो अगर यहाँ के मकामी लोगों की बात करें काफी तादाद में लोग जो है गुलमर्ग की तरफ आते हैं क्योंकि सैटरडे और संडे में लोग जो है घर में रहते हैं और यहाँ पर जो है सैयद इमकान गुलमर्ग का रुख करते हैं। वही अगर सैयद इमकान गुलमर्ग की बात करें, जैसे ही कल हमने ये खबर ब्रेक की कि सैयद इमकान गुलमर्ग में जो है विंटर कार्निवल शुरू हुआ है और यहाँ पर बादल तो रात भर जो है जश्न रहता है, सैया भी इस जश्न में यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन दूसरी जानब अगर हम ये कहेंगे कि ये जश्न जो है ये पूरी तरह से नए साल की आमद तक यानी कि 31 तारीख की शाम तक ये जश्न जो है बरकरार यहाँ पर रहेगा जो इवेंट यहाँ पर महकमा सयाहत ने किया है। और कहीं ना कहीं महकमा सयाहत ने जो इस तरह ये पहल आप की है, आने वाले दिनों में ये माना जाता है कि इस तरह की पहल जो है कामयाब साबित होगी और ये माना जाता है यहाँ पर जो सैया बाहर से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर नए साल की आमद के लिए आ रहे हैं और नए साल इस बार जो है काफी खुश असलूबी से जो है यहाँ पर मनाया जाएगा। ठीक है इश्फाक, बहुत बहुत शुक्रिया, तस्वीरों को दिखाते रहिएगा, मार्गदर्शकों को जानकारी देते रहिएगा।